अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त, क्विक एंड फास्ट और डिलीशियस बनने वाली बर्गर की रेसिपी। सो आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बर्गर बन लेंगे। इसको हम हल्का सा घी या ऑयल जो आप चाहें लगा के थोड़ा टोस्ट कर लेंगे, ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त से हो जाए। अब मैं अलग कबाब फ्राई कर लूँगी। अच्छा, कबाब की पैटी आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे शामी कबाब लिए हैं। आप चाहें तो चिकन के, बीफ के, कोई से भी कबाब ले सकते हैं, ठीक। और इसके बाद हम इसको क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। अब हम बन में सबसे पहले मायो डालेंगे, इसकी हम एक लेयर बनाएंगे। उसके बाद हम कबाब का पैटी रखेंगे। माशाल्लाह। नाउ हम थोड़ा सा कोल्सलो डालेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ कैबेज का बनाया था। आपके पास अगर गाजर हो, इसके अलावा स्प्रिंग अनियन हो, तो आप वो सब चीज़ें भी डाल के एक ज़बरदस्त सा कोल्सलो बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें केचप डालेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और जस्ट हम ऊपर से इसमें अपना टोस्ट बर्गर बन रख देंगे। एक और मैंने बनाया है, देख लें इसका लुक, इट्स डिलीशियस माशाल्लाह। बस ये रेडी है। ये स्कूल के लिए, लंच के लिए एक परफेक्ट मील है। उसके अलावा आप इसको टी टाइम में या किसी भी पार्टी ओकेजन पे भी बना सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने इसको कट करके दिखाया है और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त है। हमने जब बनाए थे तो ये उसी टाइम ख़त्म हो गए थे। सो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। आई होप यू लाइक इट। बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।